जय जीवदानी। कोई ग्रह जब नीच का हो जाता है ना, तो उसका असर इतना पॉजिटिव नहीं रहता और वो अपने नीच राशि के अनुसार प्रभाव देना शुरू करता है। अब ऐसे में जब सूर्य नीच के हुए, तो ये समझ लीजिए कि सूर्य आपके आत्मा का कारक है। आपके अंदर जो बहुत ज़्यादा उत्साह है, प्रेम है, या आपके अंदर जो होशियारी है, गर्व है, अभिमान है, स्वाभिमान है, उसका कारक है वो। अगर वो ही अंदर से आपको कलुषित लगती है या वो ही आपको अंदर से तेजहीन लगती है, तो ऐसे में आपको सूर्य की आराधना करना कितना ज़रूरी है, सूर्य को अपने अंदर जगाना, सूर्य तत्व को जगाना कितना ज़रूरी है। मैं कामिनी खन्ना आज नीच के सूर्य के स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करने की बात कर रही हूँ YouTube/Beauty with Astrology में। ये समझ के चलिए कि स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। एक तो अपने परम शत्रु के घर में, शुक्र के घर में आ गए थे सूर्य, और उसके बाद वो राहु के नक्षत्र में जाएंगे, तो जहाँ पर उनको एक तरह से ग्रहण जैसा योग लगेगा। हालांकि स्वाति नक्षत्र अपने आप में एक बड़ा ही हसमुख और कहते हैं ना लहलहाता पौधा, जिसका चिन्ह है चंचल सा घूमने फिरने वाला ग्रह है, घूमने फिरने वाला नक्षत्र है। मतलब कि स्वभाव, इस स्वभाव में पैदा होते हैं लोग, इस नक्षत्र में पैदा होने वाले। और सूर्य जो है वो तेजोमय है, सूर्य प्रकाश के स्वामी हैं, प्रदीप्त हैं। और जब वो राहु के नक्षत्र में आते हैं, तो राहु एक धुआं है, राहु वायु तत्व है, क्योंकि स्वाति नक्षत्र के जो अधिपति देवता हैं वो भी पवन है, और उसके स्वामी जो हैं वो राहु हैं। तो सूर्य जो है और कण अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। अब ऐसे में सूर्य तो राजा है, सूर्य तो ग्रहों का राजा है, सूर्य खुद सबको अस्त कर देता है, तो लेकिन खुद भी तो वो ग्रहण योग में फंस जाता है जब वो राहु या केतु के नज़दीक आता है। तो सूर्य पर असर तो हुआ, इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते कि वो अपने परम शत्रु के घर में, एक परम शत्रु के नक्षत्र में क्या असर देंगे। मैं कामिनी खन्ना कुछ नेगेटिव नहीं बोलती हूँ, क्योंकि नकारात्मकता मैंने अपनी डायरी में नहीं रखी है, और मुझे नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने से बहुत मज़ा आता है। आप लोगों को भी इसी दिशा में अग्रसर करने का हेतु है मेरा। मैं चाहती हूँ कि परिस्थितियाँ जैसे भी प्रतिकूल हो, उनको अनुकूल बनाने में विश्वास रखिए। अगर कोई ज्योतिष आपको प्रतिकूल परिस्थिति बताता है, तो ऐसे में उसको अनुकूल कैसे बनाया जाए, इस पर जोर दें। मेरी स्वर्गीय माँ श्रीमती निर्मला देवी कहा करती थीं कि जो हो गया सो हो गया, करना क्या है इस पर विचार करो, रोने से कुछ नहीं होता, सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि मैं थोड़ा सा लेट हूँ, 24 अक्टूबर को सूर्य स्वाति नक्षत्र में 6:25 पर शाम को प्रवेश कर गए थे, जहाँ पर 6 नवंबर को वो विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो तकरीबन वो 12 दिनों के लिए, 11-12 दिनों के लिए जो हैं राहु के नक्षत्र में रहेंगे। और मैंने आपको स्वाति नक्षत्र के विषय में बताया कि 15वां नक्षत्र स्वाति तुला राशि में 6:40 से लेकर 20 डिग्री तक रहता है। वो स्वाति नक्षत्र की एक बहुत बड़ी खासियत है, भले वो राहु का नक्षत्र है, एक तो लहलाता हुआ छोटा सा नन्ना सा पौधा उसका चिन्ह है, जो कि बड़ा ही चंचल सा अस्थिर सा दिखता है दिखने में। स्वाति नक्षत्र में कहा जाता है कि जब बारिश होती है ना, तो उसकी बूंदें अमृत की तरह बरसती हैं, और ऐसे में सीप जो खुला रहता ना मुँह बाएँ करके, उसके अंदर अगर गिर गई बारिश की बूंदें, तो सीप के अंदर मोती पैदा होते हैं स्वाति नक्षत्र से। तो नॉर्मली अगर स्वाति नक्षत्र में इतनी खूबियां हैं, तो स्वाति नक्षत्र पूरी तरह तो हम नेगेटिव मान के नहीं चल सकते, क्योंकि स्वाति नक्षत्र अपने आप में खुश मिजाज और मिलनसार नक्षत्र माना गया है। ये एक विरोधाभास हुआ कि एक स्वाति नक्षत्र की एक तरफ तारीफ कर रहे हैं, एक तरफ सूर्य अनकंफर्टेबल हो गई ये भी बात कर रहे हैं, दोनों तरफ बात करके चला नहीं जा सकता। इसलिए हम राहु से ज़्यादा ये देखेंगे कि हम सूर्य के उपाय कैसे करें। मेष से लेकर मीन राशि के विषय में संक्षेप में बताने से पहले मैं आप लोगों को ये विदित कर दूं कि सूर्य के उपाय क्या हैं। सूर्य को जल चढ़ाना सभी को मालूम है, अपनी दोनों तर्जनियों को मिलाकर अपने सिर से ऊंचाई में पकड़कर और उस धार के बीच में से सूर्य को देखना, और साथ में गायत्री के जप मिनिमम 5 टाइम्स या 11 टाइम्स या 21 टाइम्स
जब आप करेंगे तो गायत्री मंत्र जागृत हो जाता है। गायत्री मंत्र को जागृत करने के लिए आप हवन भी करते हैं, क्योंकि अग्नि तत्व भी सूर्य है, तो सूर्य को जागृत करते हैं, अग्नि तत्व को जागृत करते हैं। ऐसे में अगर गायत्री मंत्र के साथ साथ हम सूर्य की रोशनी में बैठ के गायत्री मंत्र करें, मतलब आँख से आँख मिलाइए सूर्य से, जो पिंक पिंक सूर्य जो सुबह खिलता है अगर कोई देख पाता है तो उसके लिए बड़ी ही खुश नसीबी है। उसमें अगर आप ओम के जाप करते हैं तो वो भी बहुत जल्दी आपका मेडिटेशन सिद्ध हो जाता है। अगर गायत्री करते हैं तो क्या ही कहने, आपका सूर्य तत्व बिल्कुल जागृत हो जाता है बॉडी में। अगर आपके घर में सूर्य दिखाई नहीं देता या किसी कारणवश आप ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर सूर्य सात सात दिन उगता नहीं है, जैसे फ़ौरन से लोग जो मुझे सुन रहे होंगे, तो उनको अग्नि यानी कि दिया जलाना चाहिए अपने घर के कोने कोने में, और दिया जलाकर उसके आगे बैठ के गायत्री का जप या तपस्या करनी चाहिए। ये भी समझ लीजिए कि अगर ये भी आपसे नहीं होता, आपके बस में नहीं है दिया जलाना या अग्नि जलाना, क्योंकि मैंने ये भी सुन रखा है कि कई फॉरेन कंट्रीज़ में आपको दिया जलाने से भी वो मना करते हैं, तो ऐसे में आपको गायत्री आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करके अपनी भ्रुकुटी के मध्य में सूर्य का ध्यान रख के सूर्य के 12 नाम आप पढ़ सकते हैं। ओम मित्राय नमाम, रवय नमाम, सूर्याय नमाम, भानवे नमाम, खगाय नमाम, पूष्णे नमाम, ओम हिरण्य गर्भाय नमाम, मरीचिय नमाम, आदित्याय नमाम, सवित्रे नमाम, अर्काय नमाम, भास्कराय नमाम, ओम सूर्याय नमाम, सूर्याय नमाम, सूर्याय नमाम। ये सूर्य के 12 नाम है, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो भी डाल देती हूँ जो मेरे द्वारा गाया हुआ है, उसको आप अपने घर में लगा सकते हैं, सूर्य को जागृत कर सकते हैं, सूर्य के जाप कर सकते हैं, अपने अंदर सूर्य तत्व को जगा सकते हैं। अपने पिता के पैर छूना, उनकी इज्जत करना, ये भी सूर्य का उपाय है। इसके अलावा अपने गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से रिलेटेड आपके जो पेपर होते हैं उनको संभाल के रखना, ये भी सूर्य तत्व का उपाय है। तो छोटे छोटे उपाय हैं, इस सूर्य के उपायों का और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, वो देखिए। और अब मैं संक्षेप में आपको बताऊँगी कि क्या असर होगा मेष से लेकर मीन राशि वालों पर सूर्य के स्वाति नक्षत्र में प्रवेश का। मेष राशि, सूर्य का स्वाति नक्षत्र में प्रवेश मन को बुझाए नहीं, दिमाग की बत्ती गुम ना करे, इसलिए जो मैंने उपाय बताए हैं वो ज़रूर करें, और साथ साथ बच्चों के साथ अनबन ना करें, विद्या अध्ययन पढ़ाई के लिए मार्ग में अपनी कोशिश जारी रखें, किसी भी प्रकार से विवाहित जीवन में कलह क्लेश न करें, व्यवसाय में मन लगा के रखें। वृषभ राशि, माता की तबीयत का ध्यान रखना है, घर की व्यवस्था का वाहन हस्ते चलाना है, विरोधियों से सावधान रहना है, लोन्स नहीं लेने हैं। मिथुन राशि, आपके लिए अब देखिए कि आपके आवन जावन यात्रा में ध्यान से रहना है, बच्चों के साथ बिना अनबन किए गलत डिसीजन लिए हुए अपने काम करने हैं, अपना कोशिश नहीं छोड़नी, विद्या अध्ययन पढ़ाई की, करते रहिए सूर्य के उपाय। यहाँ पर वृषभ राशि वाले आप नहीं कर सकते थे सूर्य को उपाय, मिथुन राशि वाले ज़रूर कर सकते हैं। एट द सेम टाइम मिथुन राशि वालों को दुर्गा के उपाय भी करने चाहिए। आपके छोटे भाई बहनों के साथ मनमुटाव ना करें, यात्रा में सावधानी बरतें। कर्क राशि, परिवार के साथ मनमुटाव या आपके कुछ काम जो धन संचित धन बढ़ाते हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। संचित धन निकालना नहीं है कि घर की रेनोवेशन है, दिवाली है, बहुत सारा खर्चा कर दिया, वाहन ले लिया, प्रॉपर्टी ले ली, उसके बाद एकदम फोकटिया हो गए और परेशान होकर बैठे रहे, ये सब काम नहीं करना है। चतुर्ग्रही योग है सूर्य के रहते अभी भी। सिंह राशि, आपके लग्नेश हैं, जो मैंने शुरुआत में उपाय बताए हैं वो सारे उपाय करिए आप, और साथ साथ में अपनी प्रकृति को ठीक रखने के लिए कुछ अच्छा सा खाना वाना खाइए, तीखा थोड़ा खा सकते हैं आप, लेकिन एसिडिटी हो तो संभल के, और यात्रा पर जाएं तो सावधानियां बरतें, छोटे भाई बहनों के साथ बना के रखें, और उत्साह उमंग कम लगता है तब भी मेरे कहे हुए उपाय करें, सब ठीक रहेगा। कन्या राशि, आपके प्रेम संबंधों में खराबी ना हो, परिवार में मनमुटाव ना हो, खर्चे ज़्यादा ना हो, संचित धन ना निकले, इसका आपको ध्यान रखना है। विदेश रिलेटेड काम संभल के करने हैं, और आपको जो मैंने उपाय बताए हैं वो अवश्य करने हैं, उससे आपके जीवन में सुख आएगा। तुला राशि, लग्न में है चतुर्ग्रही योग और सूर्य भी, तो याद रखें बुध भी सपोर्ट कर रहे हैं, सूर्य आपका मन बुझाते हैं, आपको सूर्य के उपाय नहीं करने, आपको दुर्गा के उपाय करने हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है सभी के लिए, तो वो ज़रूर करें। आपको अपने
लाभ को कम होता देखकर बेचैन नहीं होना है, केसेस विवाद में उलझना नहीं है, और अगर कोई समस्या होती है तो सूर्य की रोशनी में बैठ के दुर्गा नमः या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे या ओम महालक्ष्मी नमः के जाप कीजिए। वृश्चिक राशि, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है अपना कामकाज निरंतर करते रहें। कोई तरह की समस्या आती है गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से वगैरह, आपको पेपर पूरे नहीं है, कुछ गलती हुई है तो अपना गलती सुधारिए, खर्चों पर कंट्रोल कीजिए, विदेश रिलेटेड काम संभल के कीजिए, प्रेम संबंधों में ध्यान से रहिए। धनु राशि, आपके लिए कई सारे काम जो आप भाग्य से रिलेटेड करना चाहते हैं, मतलब कि कोई ऑफ़र आई है तो ऑफ़र लीजिए, उससे पैसा आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, अड़चनें बहुत आ सकती हैं, आप अपने उपाय करिए, आपका भाग्येश है सूर्य, उपाय सारे कीजिए, सूर्य से रिलेटेड तो यात्रा में फ़ायदा हो सकता है, अदरवाइज़ परेशानियां उठ खड़ी हो सकती हैं। अपने ताया चाचा पिता के साथ भी अनबन नहीं करनी है। मकर राशि, आपके लिए कुछ काम ऐसे हैं जो आपको तबीयत से रिलेटेड करने होते हैं, तो डायग्नोज हो गया है तो अपनी तबीयत संभालें, और साथ में अगर तबीयत आपकी हड्डी स्कल दांत आँखें स्पाइन से रिलेटेड परेशानी है, आपको घुटने से रिलेटेड परेशानी, ज़्यादा थक गए हैं, अर्थराइटिस स्पॉन्डिलाइटिस स्लिप डिस्क है, तो याद ये रखना है आपको कि आप सूर्य की रोशनी में बैठ के दुर्गा के जाप कर सकते हैं, ओम महालक्ष्मी नमः पढ़ सकते हैं। कुंभ राशि, आपके लिए सप्तम भाव का स्वामी बनता है, जाके भाग्य भाव में बैठा बहुत अच्छी स्थिति हो सकती थी लेकिन नीच का है, इसलिए आपको क्या करना है, विवाही जीवन के साथी के साथ अच्छा बर्ताव और उनकी सलाह से आगे बढ़ना है। आपको कई सारे काम मिल रहे हैं लेकिन कार्यान्वित नहीं हो रहे हैं, तो थोड़े दिनों की बात है, वो भी कार्यान्वित हो जाएंगे, आप सूर्य के उपाय नहीं कर सकते, सूर्य की रोशनी में बैठ के हरे कृष्णा के जाप ज़रूर कर सकते हैं। विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के साथ बिगाड़नी नहीं है। मीन राशि, आपके लिए कई सारे काम जो आपके मामा पक्ष के साथ मिलने, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार, लोन से रिलेटेड, तबीयत से रिलेटेड, सावधान रहिए एकदम, क्योंकि आप इसको इजीली नहीं ले सकते हैं, और ससुराल पक्ष से रिलेटेड काम आपको संभल के करने हैं, उनके साथ बेचैनी नहीं करनी है। ये समय है आपके लिए कि आप प्रजनन अंगों से रिलेटेड समस्याओं से सावधान रहें और हर प्रकार से अपनी तबीयत संभाले रहें। 10-15 दिन की बात है, बस सब ग्रह बदलने वाले हैं, तब तक थोड़ा सा रेस्ट करें, आराम करें, डॉक्टरी इलाज चाहते हैं तो वो करें। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी आप सभी को मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा सूर्य के राहु के नक्षत्र में जाने का, और पहले से ही नीच है सूर्य, चतुर्ग्रही योग है। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं।